यार भेद भाव अलू बता। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन एक हॉस्पिटल स्टार्टिंग हस्कोल नाने मन मन होने बैदाड़े ननू बैदाड़ा इलापर एलाद पर्वा इव बंद हाकसकोल्त मुस्लिम्स आगे फेमिनिस्टन आगे एलू बंद हाकसकोल्तार आदमी लोग थोड़ा डर रहे हैं कहीं कोरोना का रिजल्ट आ गया तो मैं चेकअप के लिए तो मेरे को अंदर डाल दे तो ये डर है थोड़ा आदमियों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुजीर अहमद है कि मैं ये जो कैंप है हमारे सदर बेंगलुरु के सदर जो MM पार्टी के हैं के शरफुद्दीन साहब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी तायद में ये कैंप भी लगा तो और उनकी यह भी शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत करने का मौका भी दिया। पर क्या कब से चल रहा है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। MIM के तरफ से कल भी अदल है बस आज भी जा रही कैसा है ये लोग आ रहे देख लग जा रहे हैं वो कल आके पूछे बस फिर हमें चाहिए उनका इंतजाम कैसे कि आज भी वो आ रहे हैं आज दल लेके जा रहे हैं वैक्सीन ड्राइव कर रहे हैं। लोगों का कैसा है यहाँ का माहौल कैसा है लोग आ रहे हैं या उनको एजुकेटेड करना पड़ रहा है? नहीं नहीं माशाल्लाह जो हमें इधर पे जो सुबह में लगे कैंप कल भी लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने आप से यहाँ से आ लेके लगा लेके जा लेके हैं वो आ रहे हैं खुशी खुशी तो यहाँ से मस्जिद से भी ऐलान कराए ऐलान कराने के बाद माशाल्लाह कल तो कम से कम 250 आदमी लग तक इंजेक्शन डला फिर आज सुबह से भी चले गए हैं कैंप कल एक दिन का इरादा किए थे माशाल्लाह यहाँ पे जो आदमी लोग खुद चल के खुद अपनी तरफ से आ रहे हैं तो उनका जो खुशी का जो इजहार था जो आके ले रहे थे ये देख के दोबारा आज भी डाल दिया यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से कानून आया है कि मॉल्स हो या होटल्स हो सब जगह वैक्सीन कंपलसरी है जी लोग क्या कह रहे हैं लोगों का रिस्पांस कैसा है? नहीं लोगों का रिस्पांस क्या है बोले तो सबसे पहले कि हुकूमत से जब कानून लागू हो गया तो उसे मानना तो ज़रूरी है तो चंद आदमी लोग आ रहे हैं खुद मुझसे भी पूछ रहे हैं कि लगाना ज़रूरी है क्या तो मैंने भी यही बताया कि देखो ये सब करना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन जब हुकूमत की तरफ से आया तो और ज़रूरी हो गया जब हुकूमत जब कानून निकाल देती है जब वहाँ से जो भी ऐलानात होते हैं तो हुकूमत छानबीन करके ही देती है तो इस वजह से तो यहाँ पे भी मैं भी समझा कि आदमी लोग को दला रहा हूँ। यहाँ पर अभी आपको फर्स्ट डोज का कर रहे हैं या सेकेंड डोज का? नहीं यहाँ पे आए कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों भी लगा रहे हैं कोवैक्सीन और वैक्सीन शील्ड भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो मजमा आ रहा है तो हर आदमी को बगैर इंजेक्शन के तो जो भी पूछ रहा तो वो लगा के भेज रहे हैं। अगर लोगों की डिमांड हो तो फिर आगे भी रखेंगे? नहीं इंशाल्लाह अब तक तो माशाल्लाह बहुत सारे कैंप तो लगा दिए तो अब इरादा ये भी कर लिए कि हर इलाके के हर जो जंक्शन है वहाँ पे रख के करने का इरादा करके ये शुरू भी कर लिए तो फर्स्ट डोज लेके बैठ गए उनको भी वापस बुला के सेकेंड डोज दिला रहे हैं यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कैंप का भी अभी हम लोग उसका भी प्लान कर रहे हैं तो अभी कोविड होने की वजह से सबसे पहले इंजेक्शन ज़रूरी है तो आदमी लोग कोविड जो हेल्थ कैंप लगाने से आदमी लोग थोड़ा डर रहे हैं कहीं कोरोना का रिजल्ट आ गया तो मैं चेकअप के लिए तो मेरे को अंदर डाल देते हैं तो ये डर है थोड़ा आदमियों के अंदर तो इस वजह से वो कैंप छोड़ के वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम लोग तो इंशाल्लाह अगर एक थोड़े दिन के बाद तो हेल्थ कैंप भी लगाने का इरादा है इसके साथ में हेल्थ कैंप भी डालेंगे बोल के। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आपकी जो वार्ड है ये मुनेश्वरा वार्ड यहाँ पर मजलिस को लोग साथ देंगे क्या लोग मजलिस को समझते हैं यहाँ पर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि बेंगलुरु के अंदर सियासत से कोसों दूर थे मजमा जब ये इलेक्शनों के बारे में इन्हें कुछ पता भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह आज MIM के बारे में असद साहब के बारे में इतना जानते हैं आदमी लोग कि 90% मजमा क्या है अभी सियासत को जानने लग गया कि पहले क्या था कौन सा वोटिंग चल रहा ये समझ में नहीं आता था आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आदमी लोग को समझ में आ गया कि कौन सी पार्टी हम हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठा रही है और कौन सी पार्टी सेकुलर है ये आज जानने वाली होगी। यहाँ तक कि अभी YouTube के ज़रिए से आजकल के नौजवान बच्चे तक सियासत को पढ़ना चालू कर लिए सियासत को जानना चालू कर लिए जो हमें सर्वे के अंदर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% MIM के इतनी तारीफें सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह असद साहब को इतनी कामयाबी देंगे कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो उनकी सोच है जो उनकी मेहनत है इंशाल्लाह एक दिन रंग ला के दिखाएगी। सर कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो है इस बार जान मुझ कर वोट तोड़ने के लिए जो है बेंगलुरु शहर में कदम बढ़ा रही है देखो
आदमी लोग का जब डर शुरू हो जाता ना, डर होने के वजह से बौखला के कुछ भी कहना लग जाते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, वो लोग जो कहने वाले हैं, सबसे पहले जब वो सत्ते पर थे, सीट पर बैठे हुए थे, कुछ काम करने की तो उनकी यानी कि वो कर ही नहीं सके। तो आज जब सामने चुनाव आया तो अभी वो डर गए कि अभी मजमे को, अभी अवाम को समझ में आ गया कि सियासत क्या है, कि 5 साल ख़त्म हो गए, कि अब हमारी पोल खुलने वाली है। तो इस वजह से मजमे को क्या है, गुमराह कर रहे हैं। ये तोड़ने वाली बात, ये जोड़ने वाली बात, ये सब बच्चों की बात है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि ये तो दो असद साहब जब भी खड़के जब भी करते हैं, उनको भी तरह तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन आज मजमा जितना असद साहब को चाहने लगे है, उतना समझता हूँ कि कोई पार्टी के लीडर को एक एमपी होने के बाद, एक एमपी होने के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम ऐसा हो गया जैसा प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं है। मेरा मैं ये समझता हूँ कि असद साहब का उनसे ज़्यादा नाम हो गया। सर आप क्या कहना चाहोगे आपके आवाम के लिए? दो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाम के लिए दो एक मुत्तहिद हो जाओ, कि अभी सियासत के अंदर के आंख मुझ के वोट मत डालो, अभी आंख खोल के वोट डालो, कि हमारी आवाम का, हमारे बच्चों का फ्यूचर सोचो, कि हमारे मोहल्ले के अंदर इतना बड़ा मोहल्ला है कि इसके अंदर ये ना तो एक स्कूल सही से है, ना तो हॉस्पिटल सही से है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट ले रहे हैं, फिर अपनी अपने मफाद के लिए वो कुछ भी जमा ले रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जाके जब सर्वे कर रहा हूँ, जब मजमे से मिल रहा हूँ, तो वो लोग भी वही यही कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार नज़र आते हैं, हर काउंसलर एक बार नज़र आते हैं, फिर 5 साल के बाद वो नज़र ही नहीं आते। तो इसलिए मैं उन्हें हिम्मत दिया, हिम्मत अफजाई करके उनको समझाया कि देखो ये कोई और होंगे, लेकिन ये पार्टी, ये मजलिस ऐसी है जैसा उन्हें वोट लेना मालूम है, इसी तरह काम भी कराना आता है। तो इसलिए तो अवाम का पूरा जो मैं यहाँ पे सर्वे करके जो देखा, तो वह अवाम के अंदर एक यमयम की एक मोहब्बत ऐसी है कि इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह यहाँ पे एक वजूद में आने की शक्ल है। यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन है, एक हॉस्पिटल है, इसका ये पूरे का पूरा एक छोटा तबका है यहाँ पे रहने वाला, कमज़ोर गरीब तबका है यहाँ पे, ये सबसे पहले एजुकेशन का है, दूसरा है कि हॉस्पिटल का है। जन वैक्सीन बर्ता स्टार्टिंग इवग एलू कॉविड जास्त आगे बर्ता निन्ने कैंप हाके निन्े 250 जन मेबर्स वैक्सीन को कैंप हाँ कूड़े जन रोडल ओडाड़ोरे बंद बंद हास्कोल्तर फस्ट डोज सेकेंड डोज अंत कॉविड हूँ एलू बर्ता पाप इवरे कैंप हाके वैक्सीन को इवरे पाप वैक्सीन हाँ नमे हास्पिटल नावे बंदा रेडी पाप एलू हेल्पार सरकार गोर्मेंट मूरने डोसगे इतमें एलू सेकेंड डोसगे बर्ता बर्ता मद्दे मन मन होंगे कर्द्रे यारू बर्त ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೈದಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೈದಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನವೀನ್ ಅಂತ.